थानों पर FIR दर्ज न होने की कई शिकायतों का सोमवार को SSP डॉक्टर विपिन टाटा ने संज्ञान लेकर जिले के सभी थानों के फरियादियों को पुलिस लाइन में बुलाकर जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई में फरियादी और विवेचक को अपने समक्ष आमने सामने बिठाकर उनकी बातों को सुना और समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन टाटा ने बताया कि पुलिस लाइन स्थित पुलिस सभागार में फरियादियों को बुलाया गया है, जो सोमवार को फरियादी अपनी शिकायत लेकर पुलिस कार्यालय आए थे। पुलिस लाइन में फरियादियों के साथ जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, जिनको उनकी समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए था, उनको भी बुलाया गया है, ताकि फरियादी और पुलिसकर्मी को आमने सामने बात करा करके उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उन्होंने बताया कि अगर किसी पुलिसकर्मी पर लापरवाही पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान SP सिटी कृष कुमार विश्नोई, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित थानों के थाना प्रभारी व BPO मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा, ठीक है। राम पुकार विश्वकर्मा जी। हाँ सर, बताइए क्या समस्या विवेचना में, दो शब्दों दो लाइन में बताइए। आप पुलिस कर्मी वहीं बैठे रहेंगे जहाँ पे हम वो नहीं बैठे, सर दे दो कागज, हम साहब दरखास्त लिख के पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ दिल्ली तो करे बाद एक दाई वापस आई दूसरे दाई। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई केहू नहीं साहब, केहू नहीं, दूसरे दाई साहब पैसे की ठगी हुई है सर, 1,03,000 टोटल साहब हुआ है, 1,03,000 हुई है। ठीक है, विवेचक कौन है इसमें? बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। प्राइम नंबर 311/ आप सीधा मुद्दे पे आइए, इनके मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक लाइन कार्रवाई हुई है, जितने मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट इन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था उतने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट लगी है। केवल 467-468 IPC का अपराध नहीं पाया गया, इसलिए विवेचना से विलोपित कर दिया गया है सर। इनके द्वारा दो मुकदमे करवाए गए जी, क्या दोनों मामलों में चार्जशीट लगी है? जी दोनों में सेम। कब लगी है, तारीख बताएं? एक में लगी है 25 दिसंबर को, एक में 23 दिसंबर को। आप दोषी होंगे, क्या चार्जशीट कोर्ट चली गई है? जी सर कोर्ट गई है, कोर्ट पर रिसीव नहीं है, कोर्ट पर रखी हुई है। ये कोई बात नहीं होती है, क्या बात नहीं कोर्ट के लिए, कोर्ट जी सर कोर्ट पर। वो आदमी विदेश कब गया है साहब? जनवरी में साहब 12 तारीख के गए हैं, तो दरोगा जी के फिर बतौली कहना है कि हम क्या करें, तब तक हमारे बहनिया फोन कही है कि वहाँ से 20,000 रुपया मिले है दरोगा जी, पूरा सब शहर में जाकर कागज पासपोर्ट है, देखी साहब पासपोर्ट कार्यालय के भी देखी साहब दे है कागज। ये क्या तरीका है बताइए आप? देखिए सारे जा पाएगा, अब जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तब वो बाहर जाएगा। आम साहब पासपोर्ट कार्यालय अधिकारी दे गए चाहेंगे पासपोर्ट रद्द करेंगे, टिकट करवाने की कार्यवाही कीजिए आप, उसको वापस बुलवाइए। ठीक है, आपका काम तो हो गया है, लगभग 90% काम तो हो गया आपका। हाँ, पुलिस पैसा कैसे दिलवाएगी आप? हम तो मुकदमे में अगर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कार्यवाही कर दिए, कोर्ट में जमा हो जाएगी चार्जशीट, चेक कर लीजिएगा कोर्ट में जमा हुई है या नहीं है। और साहब हम की गरीब आदमी साहब साहब कहते हैं कि तुम अभी बाकी नहीं, तुम्हारे साथ क्या करते उसी हिसाब से, और तैयार होकर के खूब आना, और हम ऐसे टिकट और वीजा फाड़ करके फिर तीन जनी साहब हमारे रिश्तेदार मामा के लड़का भी गए रिश्तेदार हो गए साहब, पूछी वही धमका तो हम के रोवत गई और थाने से बाहर। भाई क्या समस्या आ रही है दरोगा जी इसमें, मुझे आप फाइनल बता दो। ठीक है, क्या समस्या आ रही है? मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज है आपका? मुकदमा आपका दो बार भी है, उनके ऊपर दो कई मुकदमे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के बोलो। मुकदमा दर्ज है आपका?
आया नाम बताए मुकदमा में दर्ज है, आपको मुकदमा दर्ज नहीं है, क्या मामले की शिकायत है आपकी? धोखाधड़ी है अपने चीफों जतवाली जो आज हमारे भतीजा हमको हमारे औरत को घर में घुस करके धक्के में लगे मारने पीटने दौड़ा दिए। मारपीट की शिकायत है आपकी? भतीजे ने मारपीट की आपके साथ में? हाँ, और देखिए हमारी लड़की गाजियाबाद में उनको भी गाली देकर गए तुम्हारे माता पिता को। क्या है भाई, कब की मारपीट है और क्या चोट आई है उसको बताए? क्यों आप तो छुट्टी 3 दिन गए होंगे, ये तो प्रकरण कब से चल रहा है? आप ही हल्के का है अभी तो तत्काल इनके दरवाजे पर 2 बार गए सर, एक बार इनके छोटे 2 बार गए, ये घर में से नहीं निकले घर में। उसके बाद उनके पूरे परिवार से मैंने पूछा, इनके एक बड़े भाई खजने में ही अपना प्रैक्टिस करते हैं सर, उनसे भी पूछताछ किया कोई विवाद नहीं, इनके छोटे भाई से पूछताछ किया जो बाप बेटे दोनों मारता था उनसे भी पूछा कोई विवाद नहीं, गांव के लोगों से भी पूछा 10-5 लोगों के जो मानिंद है जो पूछता है उनके हर प्रकार के लोगों से पूछा कहीं किसी प्रकार का। अरे ये कह रहे हैं ना विवाद है इनका, लड़का है आप क्या आप प्रकरण को छोड़ क्यों दिए बीच में? इनका नाम नोट कर लीजिए, इनको चेतावनी दीजिए, क्रिमिनल हिस्ट्री का रिपोर्ट देंगे, अगर इसके ऊपर 11 मुकदमा है तो हिस्ट्री शीट खोलिए। इनका जो जमीन का विवाद है बंटवारे का ये कोर्ट में देखेंगे, लेकिन एक बार आप और राजस्व विभाग के लोग सभी पक्षों का रिकॉर्ड लेकर पूरी जांच करिए जमीन का, कौन सी जमीन है, SC ST की जमीन कौन सी है जिस पे कब्जा किए हैं उसकी भी जाँच कर लें। इसमें एक फायदे हैं, एक थाना खजनी का 328 का एक मिसाल अभी 302 का है, उसमें 10 साल सजा काटने के बाद हाईकोर्ट से दोष मुक्त हो चुका है सर। एक जो लोग 307 बता रहे हैं उसमें गवाही हाईकोर्ट यही जिला जज। तो अब आपको कितना चाहिए, एक 308, एक 307, एक 302 हो गई, तो और कितना अपराध करवाने के बाद उसको आता होगा? 10-11 आग लगा दिया। अरे भाई आपको एक हथियार के साथ 1689 और विवादित भूमि है सर। आप कट शॉर्ट करें, इनका कहना है इनके साथ गाली गलौज मारपीट हुई है, कब हुई है? 12 तारीख को नहीं सर, इन्होंने मारा है सर। मारपीट हुई है या नहीं हुई है, हाँ या नाम बताओ सर। हुई है। इनको भी चोट लगी, उसको भी चोट लगी है? इनको नहीं सर, उन लोगों को चोट लगी है। उन लोगों को चोट लगी है, वो दूसरा पक्ष इनका क्या लगता है? सर पटीदार है सर, पड़ोसी है, पटीदार है सर। अरे पटीदार तो है ही है, क्या गाँव में पास में रहते हैं? पड़ोसी है सर, पड़ोसी है। तो उसमें क्या खूब कार्यवाही हुई है 12 तारीख वाले में? 12 तारीख वाले सर उन लोगों की तरफ से NCR दर्ज हुआ है। हाँ, और ये जो रात में 3 सेट रख दिए थे विवादित भूमि थी, और 6 महीने पहले भी एक बार मैं इनका चलान कर चुका हूँ, और एक बार 116 भी कर चुका हूँ, फिर ये वही काम कर दिए सर रात में। उन लोगों ने शिकायत की, मैं मौके पे जा कर के लोगों को समझाया, समझाने के बाद फिर वापस चौकी आ गया, फिर ये कहीं से आए और दोनों लड़कियाँ, केवल उनके घर पे 2 लड़कियाँ रहती हैं, एक लड़का सर एडमिट रहता है यहाँ पर, नाम जानकी बेटी आता हूँ, तो उनको ये लोग मारे, उसका वीडियो भी मिलता है सर। वीडियो में सर जैसे चिल्लाने उल्लाने की आवाज़ है, एक आदमी भेजा था उनका, ठीक है, तो उनको सर ला करके 56 बंद और उनको मना किया कि सर जब से न्यायालय का फैसला मिला काम न करें। क्या काम करवा रही है इन्होंने सर रात में? एक 3 सेट डलवा कर पिलर। अगर आप मौके पर जाकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके वो हटवा के मुकदमा दर्ज कर दिए होते सही धारा में और इनका सही इलाज हो जाता तो ये समस्या हमें नहीं आती। एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे नहीं मौके पर जाकर, सही धारा में मुकदमा करेंगे नहीं, जो दुष्ट है उसके खिलाफ सही कार्यवाही होगी नहीं, तो जाके शिकायत करेगा ही। आप जो कहानी बता रहे हो उसका क्या साक्ष्य है आपके पास? सर उसका मुकदमा है सर, और बाकी मुकदमे में तो धारा मारपीट की लगी है, और जो आप बेस बताए हो मूल कारण समस्या का उसमें क्या कार्यवाही की है आप, जो मूल समस्या है उसमें? मूल सर उसमें सर राजस्व से मिलकर सर मैंने जमीन को दिखवाया था सर 6 महीना पहले, तो जहाँ पे इनका कब्जा बता रहे हैं सर वहाँ पे इनकी संपत्ति न होकर के पोखरे के पास है, जैसा कि नक्शा में लेखपाल साहब और कानून में सब बताए, तभी से सर 6 महीने पहले मना कर दी थी भाई काम बंद कर। सर सही नहीं है सर, नहीं एक मिनट रुकिए, आप ये बताओ, आप ये बताइए क्या आपने जाके रात को टिन रखा था वहाँ पे? सब तो रखा ही नहीं, इतना बड़ा सेठ है सर, एक दिन रखा। कितने दिन में रखा है आपने सर? 3 दिन पहले मैं रखा था।
तीन दिन पहले रखा था, क्या उस पर आपको मना किया गया था शेड रखने से पहले? मना सर कोर्ट नहीं किया सर, उसका कागज नहीं था। आपको मौके पर राजस्व विभाग ने आके मना किया था शेड रखने से? राजस्व का सर है मेरे पास कागज, नेपाल साहब लिखे हैं। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं उसमें? लिखे हैं कि आप अपना कब्जा कर लीजिए सर। लिखे हैं ग्रामीणों द्वारा विवादित आवेदक बताई गई सर कागज। ठीक है, इसमें कहाँ लिखा है कि आप कब्जा कर लो? लिखा है कोई एसडीएम साहब के पास गए सर? 91 नंबर में सर सारे अवैध कब्जेदार चाहते हैं वो बात छोड़ो, अभी कोर्ट में लेंगे। दिखाइए आप अगर मारे तो हाथ हाथ पे दे दीजिए सर, पैंट भी निकाल दूं, पूरी चड्ढा भी निकाल दूं सर। दिखाओ कहाँ चोट लगी है। कैमरा बंद कर रहे जी। आज पुलिस लाइन सभागार में फरियादियों को बुलाया गया है जो सोमवार के दिन अपनी शिकायत लेकर पुलिस कार्यालय आए थे। यहां पर फरियादियों के साथ साथ जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों, इंस्पेक्टर हों या कांस्टेबल्स हों, बीपीओ हों, जिनको कि उनकी समस्या का निस्तारण करना चाहिए था, उनको भी बुलाया गया है ताकि जो फरियादी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं आमने सामने बात करके देखा जाए कि समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा और किस प्रकार समस्या का निस्तारण होगा, इसके निर्देश भी दिए जाएं और यदि कहीं पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी, पुलिस के पास जो भी फरियाद लेकर आएगा, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी समस्या सुनें और उनका विधिक निस्तारण करें, और भीड़ चाहे कम हो या अधिक, इसमें हमें हमारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए हर परिस्थिति में, और फरियादी की समस्या के लिए उसको बार बार चक्कर ना काटना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था हर प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने स्तर पर करनी चाहिए। और इसी की समीक्षा के लिए आज ये हमने यहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है पुलिस लाइन में, और इसमें आगे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसा कई फरियादी आए थे सोमवार के दिन, जिन्होंने ये स्पेसिफिक शिकायतें की थी कि उनके थाने पर सुनवाई नहीं हो रही, तो इसी क्रम में आज उनको और संबंधित पुलिसकर्मियों को भी साथ बुलाया गया है, जिससे कि दोनों पक्षों से सवाल जवाब किया जाएगा कि क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्यों उनके मामले में कार्यवाही नहीं हो रही और क्या कार्यवाही अपेक्षित है। यदि इसमें पुलिसकर्मियों की गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर भी कार्यवाही तत्काल की जाएगी।